बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब की स्मगलिंग तो हो ही रही है, इधर कुछ समय से सूबे में पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग भी बढ़ गई है। यह बकायदा एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। बिना कागजात झारखंड और उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल बिहार लाकर बेचा जा रहा है। दरअसल बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश और झारखंड में पेट्रोल डीजल सस्ता है। इसमें सीमावर्ती इलाकों के बिहार स्थित पेट्रोल पंपों का तो नुकसान हो ही रहा है, राज्य सरकार के राजस्व में भी छेद हो रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। बड़ी बात तो यह है कि वाहन वाले बिहार में प्रवेश करने से पहले ही पड़ोसी राज्यों में वाहन में पेट्रोल डीजल भरवा लेते हैं। स्मगलिंग की तुलना में इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तुलना में पटना में पेट्रोल 4.95 रुपए महंगा है, इसी तरह डीजल भी 4.74 रुपए महंगा है। झारखंड के रांची की तुलना में पटना में पेट्रोल 5.79 रुपए महंगा है, जबकि डीजल 1.07 रुपए महंगा है। झारखंड से अधिकांश पेट्रोल डीजल चोरी छिपे बिहार आता है, क्योंकि बिहार आने पर 5.65 रुपए प्रति लीटर फायदा हो जाता है। नेपाल भी इससे अछूता नहीं है। जानकारों का कहना है कि नेपाल में भी पेट्रोल डीजल बिहार की अपेक्षा सस्ता है, इसलिए वहां से पेट्रोल डीजल गैर कानूनी ढंग से बिहार लाया जा रहा है। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि स्मगलिंग का कोई डेटा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 50,000 लीटर पेट्रोल डीजल प्रतिदिन अवैध ढंग से बिहार में उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से लाया जा रहा है। इससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान वाहनों के दूसरे प्रदेशों से तेल लेने से हो रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।